मुदसर भाई की हालत। चैनल उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपका भाई रिंकू लांग सो। जो भाई चैनल पे नया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। तो भाई अभी अपना सफर कंटिन्यू है, अभी हम पहुंच गए भाई जोधपुर हाईवे पे, हम चल रहे हैं। अभी मुदसर भाई की गाड़ी आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे। भाई गर्मी से ना बहुत बुरी हालत हो गई है भाई, गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि भाई प्यास बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा भाई अभी सोया हुआ है। ये देखो भाई पसीना कितना है वीर जी को, किसकी हालत ही ख़राब हो गई। ये भी रोज़ा रखा हुआ है, हम तीनों ने रोज़ा रखा है क्योंकि भाई रोज़े के बगैर ना दिल नहीं करता, चाहे कितनी भी गर्मी हो भाई बर्दाश्त करेंगे। तो अभी चलते हैं भाई अपना सफ़र होते हैं कंटिन्यू जी। अभी अपना सफ़र कंटिन्यू है, अभी चल रहे हैं हम। तो शायद भाई आपको मेरी आवाज़ कम आती होगी क्योंकि भाई आवाज़ अब कम होने लगी है। आपको बताइए भाई, रोज़ा रखा है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है, गला बहुत ना खुश्क हो गया है। भाई मन करता है कि पांच छह बोतल पानी पीऊं, बट जब तैयारी आती है ना भाई, आधा ही गिलास पीते हैं ना पेट भर जाता है भाई। चलो भाई इसमें भी शुक्र अल्लाह का। तो अभी हम भाई कंटिन्यू है अपना सफर संचूर की ओर। तो अभी भाई गाड़ी चला रहा है, उजैर भाई गाड़ी चला रहा है, मुदसर भाई। ये देखो मैं, ओ भाई इसको कहाँ है का गाड़ी चला रहा है? इफ्तारी में रह गए भाई दो तीन मिनट, अभी भाई इफ्तारी में रह गए दो तीन मिनट, उसके पहले इफ्तारी करेंगे भाई। आज ना अपनी हालत बुरी हो गई है, बहुत बुरी भाई। ये देखो भाई हमारी हालत, देखो भाई होंठों को क्या हो गया भाई, प्यास ना बहुत, भूख वूख तो नहीं लगी भाई, भूख के लिए हम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा करेंगे पर प्यास ना बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बुरी हालत हो गई। तो अभी भाई इफ्तारी की तैयारी चल रही है, हमने लाया तरबूज और खजूर है भाई, और सब्जी वब्जी भी बनाएंगे, खाना बाना बनाएंगे क्योंकि भाई एक्सप्रेस पे चल रहे थे हम, वहाँ से भाई कोई सामान नहीं मिला इसलिए दिक्कत हुई। अभी हमने असर की नमाज भी नहीं पढ़ी क्योंकि भाई वो के लिए कहीं पे जगह पानी ही नहीं मिला। तो अभी आगे जाके मार्केट में कहीं या ढाबे वाबे पे रुकेंगे, फिर वहाँ पर वजू वजू करके वो नमाज अपनी अदा करेंगे। अभी एक दो मिनट रह गए तैयारी में, पहले भाई अपनी गाड़ियाँ साइड में करेंगे। ओ भाई बिस्मिल्लाह, मुदसर भाई को फ़ोन किया, बोला गाड़ी साइड में लगाओ, पहले इफ्तारी करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे वापस, खाली इफ्तारी करके ना और निकल जाएंगे भाई यहाँ से, क्योंकि भाई गाड़ी दो मिनट साइड करेंगे इफ्तारी करके उसके बाद भाई निकल जाएंगे। वीर जी निकालो पानी भाई, इफ्तारी का टाइम हो गया भाई, एक मिनट रह गया। चलो भाई हो गया इफ्तार, टाइम क्या हो गया भाई? करो बिस्मिल्लाह भाई, भाई भाई पानी डालो। गर्मी थी आज बहुत ज्यादा, इसको मिला बाबरी को मिला भाई। गर्मी ना इधर राजस्थान में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भाई, आगे गुजरात में पता नहीं है, उधर इससे भी ज्यादा गर्मी है।
बहुत देंगे भाई, ले आना बुरी हालत हो गई। तो भाई 3 गिलास मैंने पानी पिया भाई, आंखें खुल गई कसम से भाई। गाड़ियों को ना इस जगह पार्क किया है हमने, ये है मदसर भाई की गाड़ी और ये अपना बादशाह। तो भाई चेक करो भाई, यहाँ पे हम यहाँ पर हिम्मतनगर सुबह 10 बजे पहुँचे थे भाई, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, अभी हमने नहाया, इफ्तारी का टाइम भी आने वाला है भाई, आधा घंटा बचा इफ्तारी का। तो भाई इधर ना इतनी गाड़ियाँ भाई, परेशान हो गया भाई, कम से कम मुझे लगता है 4-5 दिन में खाली हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है भाई, क्योंकि भाई उस वाली पार्किंग में ना, उस वाली दूसरी पार्किंग उस साइड भाई इतनी सारी गाड़ी है ना, दिन को भाई पता नहीं कितनी तेज की कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खाली हो जाती है, कम से कम मेरे ख्याल से 100-150 गाड़ियाँ हैं। अभी देखते हैं भाई अपना नंबर कब आएगा, उसके बाद अपना बादशाह भाई खाली हो जाएगा। मदसर भाई ये क्या कर रहे हो भाई, आप इतने हल्के हो, जो भी आता है आपको उठाते हैं। नहीं भाई, इंशाल्लाह रोजा हमारा चल रहा है ना। अच्छा, तभी तो कुछ वेट में दिक्कत आ रही है, इसलिए आप हल्के ज्यादा हो। कल मेरी गाड़ी में इसी के कारण शॉर्ट किलो है, 60 किलो शॉर्ट आ गया, 60 किलो शॉर्ट आ गए। सकते हो भाई फैक्ट्री में कितनी गाड़ियाँ हैं अंदर, वो भाई अल्लाह रहम करे भाई, अगर हमें पता होता ना यहाँ पे इतने दिन लगते भाई, कभी हम जिंदगी में ये वाला मार नहीं पड़ेंगे। आज ना अपना दूसरा दिन यहाँ पर है, तो अभी भाई वीर जी यहाँ से खाना बनाने लगे हैं। बस क्या दिल लशे अल्लाह ताला, आज ना आज मुदसर भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि भाई आज हमने सहरी भी नहीं खाया, बिना सहरी के हम रोजा रखा है भाई, इसलिए हमारी हालत बहुत बुरी है। खाली ये एक बंदा जो शिट है। मुदसर भाई आज क्या हालत है? हालात तो ठीक है। नहीं भाई कम ठीक है, इसलिए भाई आप 5 मिनट के बाद सो रहे हो, नमाज पढ़ते हो और सो जाते हो, नमाज पढ़ते हो और सो जाते हो। चलो भाई शुक्रिया, आज हमने उधर क्या बोलते हैं हिम्मतनगर जामा मस्जिद में हमने नमाज अदा की भाई, अलग ही सुकून आया वहाँ पे नमाज पढ़ने में। वहाँ पे ना ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा भाई, मुझे ना मदरसे भाई मुझे उधर ज़्यादा मज़ा आ गया वज़ू करने में। मुझे नींद आ गई थी, मगर आपने मुझे जगाया। फिर हम वहाँ सो गए मस्जिद में ऊपर, उसने बोला भाई, एक ने बोला आप ऊपर जाके सो जाओ वहाँ पे ठंडी है भाई, वहाँ पर ना कुछ अलग ही सुकून आया भाई, मस्जिद पाक में कुछ अलग ही सुकून आता है। तो इसलिए भाई हमारी हालत बहुत बुरी है, क्योंकि भाई आज हम बिना सहरी के हमने रोज़ा रखा है। कुछ लोग बोलेंगे भाई कैसे रोज़ा रखा बिना सहरी के, बट हमने फिर मुझ साहब को फ़ोन किया जब हम जाग गए, बोला मुझ साहब हमने सहरी नहीं खाया, बट नियत हमने की थी, सहरी भी हमारी बनी थी। तो उसके बाद भाई साहब ने बोला आप रोज़ा रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, खाली इंसान की नियत होनी चाहिए। नियत तो हमारी रात को ही थी रोज़ा रखेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का भाई हमने भाई रोज़ा रखा है। लेना भाई हालात ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि भाई देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा है भाई, भाई यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 38 से 40 डिग्री की गर्मी है भाई, बाहर निकल नहीं पाते, खाली जब वज़ू करना होता है तब जाते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे नल लगा है, इस जो ये गमले वमले बन रहे ना इनके पीछे नल का लगा है, वहीं पे भाई वज़ू करके हम आते हैं। इसलिए भाई थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुई आज, क्योंकि बिना सहरी हमने रोज़ा रखा है, तो इसलिए भाई थोड़ा हालात ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं आ गया वज़ू करके, तो अभी रह गए भाई इफ्तारी को 10-15 मिनट, अभी भाई हम पहले इफ्तारी करेंगे। तो देख सकते हो भाई हमने अपना बादशाह यहाँ पे है, और उस साइड में मुदसर भाई की गाड़ी, और ये भाई लोग यहाँ पे गाड़ियों को सफाई कर रहे हैं, और ये भाई आ गया पानी लेके, बर्तन वर्तन धोया। अर्शद भाई इफ्तारी का टाइम हो गया ना, करो करो तैयारी भाई। तो भाई हालात ना ख़राब हुई थी दिन को पूरी, जो गर्मी थी यहाँ पे, अभी गर्मी थोड़ा कम हो गई भाई,
अब इस रात को इंशाल्लाह थोड़ा ठंड मौसम में रहता है तो भाई फिर रात उतना भी ठंड मौसम नहीं रहता है भाई। बस गलती हो गई हमसे कि घर में कूलर छोड़ा हमने, अगर कूलर साथ होता तो भाई फिर इतनी गर्मी नहीं दिखती, क्योंकि कूलर वूलर भी साथ नहीं है। और यहाँ से निकल के ना खाली करके इंशाल्लाह कल मत खाली हो जाएगा भाई, अभी भी खाली नहीं होगा, हमें दो दिन हो गए। उस साइड में देख सकते हो गाड़ियाँ कितनी हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो आज भी गाड़ियाँ 30-40 अंदर गई है फैक्ट्री में, कल हमारा नंबर आएगा तो कल हम गाड़ी अंदर करेंगे, या तो रात को खाली हो जाएगा या परसों हो जाएगा। उसके बाद भाई यहाँ से निकल के ना थोड़ा अपने बादशाह में काम वाम भी करना है, वर्कशॉप जाएंगे, थोड़ा इसको सेटिंग भी करनी है गाड़ी की जी। अपना खाने पीने का सामान तैयार, ये है भाई फिरनी, ये पानी है बाबरी त्रेस बोलते हैं कश्मीरी में, और ये है भाई वाटरमेलन। अभी भाई लगाएगा वाटरमेलन क्योंकि इफ्तारी होने वाली है भाई, आज ना भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो आज ना हम सहरी के बगैर ही भाई हमने रोज़ा रखा है, इसलिए भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी है। चलो भाई पहले करते हैं हम तैयारी, उसके बाद भाई मिलते हैं फिर से। तो जी अभी भी ना आज भी अपनी बिना अपने बादशाह खाली नहीं हुआ, नामोदसर भाई की गाड़ी खाली हुई भाई। आज है ना 3 दिन कंप्लीट होने को है, तो कल देखते हैं भाई क्या बोलेंगे। कल इन मुश्किल है भाई, इनने बोला कल भी मुश्किल है, तो यहाँ से रात को 2 गाड़ी और आई है कश्मीर की गाड़ियाँ, 2 ये भाई 2 कुलगाम साइड के, काजीगुंड कुलगाम साइड से। तो अपना बादशाह ना यहीं पर सुबह धोया हुआ टायर वायर धोए, तो ये भी यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है भाई कब खाली हो जाएगा। 24 तारीख को ना भाई होली भी है, 8 तारीख से ना यहाँ पे होली भी है भाई। बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे खाली होने को, क्योंकि गाड़ियाँ बना बहुत ज़्यादा है। देखो भाई कितनी गाड़ियाँ यहाँ से, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे है, हमने DOC सब में भरा हुआ है यहाँ पे ना। गाड़ी भाई एक हफ्ते के बाद खाली हो जाती है भाई, ये परेशानी है यहाँ पे। अभी देखते हैं भाई अगर हो जाएगा 1-2 दिन में गाड़ी खाली तो ठीक, नहीं तो भाई 24 को होली है, 25-26 को छुट्टी है यहाँ पे, तो 27-28 को गाड़ी खाली हो जाएगी भाई। चलो भाई क्या करेंगे, देखते हैं भाई कब तक अपना बादशाह खाली हो जाएगा। तो करते हैं भाई अपने इस प्यारे से व्लॉग को यहीं पे एंड, और जो भाई चैनल पे नया है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट में।